आज एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा की अगुवाई में अमृतसर के समूह समाजसेवी संस्थाओं, पशु प्रेमियों और धार्मिक संगठन ने अमृतसर कॉर्पोरेशन मेयर के ऑफिस का घेराव किया, जिसमें उन्होंने शहर में बेजुबान पशुओं के हो रहे बुरे हाल के बारे में रोष व्यक्त किया और कहा कि गाय सेस के पैसों से अमृतसर के हर एक हलके में नई गौशाला खोलने की मांग की। डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि कॉर्पोरेशन ने 2019 में एक ही गौशाला नारायणगढ़ में काफी संघर्ष करने के बाद बनाई थी, जो अब एक प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई है, लेकिन उसमें भी 300 से ज्यादा गाय नहीं आ सकती और शहर में बीमार और जख्मी गाय घूम रही है, पर गौशाला वाले उनको रखने से इनकार कर देते हैं। इसलिए कॉर्पोरेशन के पास जो गौसेस का पैसा पड़ा है उससे अमृतसर के हर हलके में गौशाला खुलवाएं, क्योंकि शहर में बहुत से हादसे हो रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले वल्लाह मंडी के पास 3 गाय ट्रेन के नीचे कटकर मर गई, हाथी गेट के पास 2 गाय एक्सीडेंट से मर गई, लेकिन इनकी देखभाल के लिए किसी ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। इतने करोड़ों का गौसेस होने के बावजूद कॉर्पोरेशन सिर्फ नाम के लिए ही इन पशुओं की देखभाल के लिए थोड़ा बहुत काम कर रही है। इसलिए अगर शहरवासी गौसेस इन बेजुबानों के लिए भर रहे हैं तो इनके रहने का कोई उचित प्रबंध क्यों नहीं करती। लेकिन बहुत दुख की बात है कि पब्लिक से इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, और इस महामारी के दौर में जब गाय माता को सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा और ना ही उन्हें कोई अच्छी सुविधा दी जा रही है। आज अमृतसर के हर गली मोहल्ले में लंपी वायरस से ग्रसित गाय घूम रही है, जिसकी वजह से पशु बहुत ज्यादा परेशान है और यही समय है इन पशुधन की सहायता करने का, लेकिन कॉर्पोरेशन ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया और न ही लिम्पी वायरस से ग्रसित गाय के लिए अमृतसर में कोई अलग से जगह बनाई है जिसमें इन्हें रखकर इलाज किया जा सके। इसलिए जल्दी से जल्दी हर हलके में गौशाला खोली जाए। फिर कॉर्पोरेशन की जॉइंट कमिश्नर ने बाहर आकर उनसे मेमोरेंडम लिया और लिखती रूप में उन्हें जवाब दिया कि सभी हलके में गौशाला खुलवाई जाएगी और इसी संबंध में 9 सितंबर को 11 बजे मीटिंग का समय भी दिया गया। तब जाकर धरना समाप्ति हुई। इस मौके पर भगवान वाल्मीकि वीर सेना के लक्की वेद, भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना से सनी सहोता, शिवसेना प्रमुख गणेश कुमार जी, गोरक्षा प्रमुख राजेंद्र सहदेव, एनिमल ह्यूमन टीम से राहुल सेठ, अनिल जी शिवसेना हिंदुस्तान प्रधान, विश्व हिंदू परिषद के अमित अब्रोल, सुखविंदर कुमार, श्री राधा जी सेवा संघ से विजय शर्मा, शिवसेना के प्रधान अंकित खोसला, शिवसेना हिंदी के प्रधान संजीव कुमरिया, हिंदुस्तान उत्थान पार्टी सुरिंदर चिंदे, जागता जमीर सुभाष सहगल, न्यू फोकल प्वाइंट प्रेसिडेंट धीरज ककड़िया, समाज सेवक वरुण सरीन, शिवसेना आजाद गणेश कुमार, धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी वेलफेयर प्रेसिडेंट बिट्टा सिंह, पट्टी हल्के से राजकुमार मेहरा समाज सेवक, बाबा हरप्रीत सिंह, बाबा तरसेम सिंह और पूरा एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन परिवार भी इस मौके पर मौजूद था। मेरा नाम डॉक्टर रोहन मेहरा, चेयरमैन एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन। मेरे ना समूह जथेबंदियां हिंदू धर्म दियां, सिख धर्म दियां, एनजीओ समाज सेवक सारे अज नाल ने। उहदा एक कारण है भी जिहड़े बेजबान पशु ने उन्हां वास्ते पंजाब सरकार काउसस इकट्ठा कर रही है, पर पशुआं ते लगा नहीं रही। लिंपी डिजीज जिहड़ी महामारी पशुआं दे विच फैली है, उहदे करके गली महल्लियां दे विच जिहड़े वै पशु मार रहे ने, तड़फ तड़के मार रहे ने, कीड़े पै रहे ने, बट इन्ना को करोड़ों का काउसस है रिलीज़ नहीं कर रहे। असीं अज मंग करन आए हैं कि अमृतसर शहर नूं घट्टो घट हर हल्के च गौशाला खोल के दित्ती जाए। अज असीं एक गौशाला जिहड़ी है किसी अलग हल्के दे विच, इन्हां को एक वैस्ट हल्के च गौशाला वा जिहदे विच 300 तों ज़्यादा गौं जिहड़ियां नहीं रखी जा सकदियां। जदों भी फोन करो जगह है नहीं, जगह है नहीं। हुण जगह पब्लिक ने थोड़ी दसनी भी गौं कित्थे लगनियां, इस करके वक्रे वक्रे हल्कियां च गौशाला खोलन। तो अज सानूं अमृतसर शहर नूं एक नवीं गौशाला अलॉट करन, नहीं तो अज असीं इत्थों नहीं जावांगे। तो मां सरकार को की उम्मीद करदे हो?
सर उम्मीद है ही अज सानू गौशाला अलॉट करन जे नहीं करनगे फिर पूरा शहर बंद करांगे अज जी तुहाडे वल्लों लगातार कई सालों तों उत्ते जिहड़ा प्रोटेस्ट कीता जा रहा दोवां दे हक दे विच पर हजे तक जिहड़ी सरकार उहदे सिर दे उत्ते जूनी सरगरी चाहे ओह पिछली सरकारां होण चाहे हुण दी सरकार बिल्कुल सर सर 2018 च असीं संघर्ष शुरू कीता सी जिस तों बाद 2019 च इक वैस्ट हल्के च जिहड़ी गौशाला अलॉट होई सी हुण वी जिहड़ा संघर्ष है जरूरत है संघर्ष दी बेजबान जानवर आप नहीं बोल सकते यह सारे जिन्हें साथी ने आवाज़ ने बेजबान जानवरों की तो उन्होंने वास्ते असं डट के खड़े हैं सानू जिन्ने दिन मर्जी बैठना पवे असं बैठांगे जिंदा तो सानू गौशाला लौट नहीं होंगी अज असं कोई भी इतों नहीं जाएगा राष्ट्रीय संगठन भारत और यह बड़ा लंबा मुद्दा है अजदा नहीं चलता पाया बड़े साल हो गए सानू संघर्ष करदियां नू डॉक्टर रोहन मेहरा जी दे नाल असीं खड़े हाँ और देखो भी अज की नहीं गल भी कौसैस का मुद्दा को अज का नहीं है रोज़ ये पंगे होंगे ने आपू साल ही हो गए बाद चुकद्या पर कौसैस बारे ना किसी ने जानकारी दी है तो ना वो पैसा कि अज तक लगाया सिर्फ डिमांड कि एक गौशाला खोलने की डिमांड है भी जगह इन वेलियां पे गौरमेंट अपने को जगह दे के गौशाला खोले कम से कम 10 गौशाला की डिमांड की अमृतसर पर सरकार को भी पूरी नहीं होंगी पी और इन्ने कारज हो रहे हैं बड़े बड़े वे दावे किए जा रहे हैं पर कोई दावा सच नहीं है जे कोई बंदा अपना जो राष्ट्रीय साडा पशु है जो गां माता आप गऊ माता कहने जी वो देखभाल नहीं कर सकते तो बाकी लोगों की ही देखभाल कितों करनी इस करके साड़ी यो डिमांड आ भी अमृतसर कम से कम 10 गौशाला खोलनिया चाहिए और गऊं की पूरी देखभाल हो कि प्राइवेट संस्थावान गौरमेंट खुद अगे आए इस काम में जय हिंद जय भारत जय श्री राम मैं गणेश कुमार हैप्पी शिवसेना आजाद तो पंजाब चेयरमैन मैं अपनी समूह टीम के नाल डॉक्टर रोहन मेहरा जी दे अपना समर्थन इतने पहुँचे हाँ और अज आप इतों गौशाला प्रोवाइड करा के ही उठांगे जो डॉक्टर रोहन जी ने उपराला किया बहुत अच्छा उपराला है और सारे मिलके पूरा सहयोग दो जिन्नी देर तक सानू गौशाला प्रोवाइड नहीं होंगी असी इतों नहीं उठांगे सानू 2.5 घंटे हो गए हैं इतने धरने पर बैठे हाँ हाल तक साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई कोई भी अफसर सानू मिलन नहीं आया असी भावें सानू भंडारी पुल जाम करना पवे असी समूह हिंदू संगठन समूह जथेबंदियां उत्थे अभी भंडारी पुल भी जाम करांगे डॉक्टर रोहन कपूर डोहर मेहरा जी नाल मिलके अज आप भंडारी पुल जाम करांगे और गौशाला प्रोवाइड करा के रवांगे जय श्री राम गौ माता की जय देखो जी ये जिन्नी भी सरकार अज तक आईया ने अज तक आम पार्टी तो पहले इको गल कौ टैक्स के नाते करोड़ों रुपये इन्होंने इकट्ठे किए हैं अज तक मैं कोई भी दस दो कितने इन्होंने पैसा लाया वै एक पश्चिम हल्के एक गौशाला बनाई है जितने 600-700 गौं तो बाद गौं ने रखी जा उस गौशाला का चारा घोटाला भी चल रहा है सारा पता है साढ़े विपन नैयर जी अपना हिंदू लीडर उस मुद्दे पर धरने पर भी बैठे थी और मैं दसो जिथे भी गौशाला खुली है इको इंडिया साढ़े अमृतसर इको ही गौशाला खुली है वह भी वह भी बुरा हाल है तुम मीडिया वाले खुद जाके वेखो गौशाला का हाल की है हाँ जी भाजी दोबारा बोलना अपना नाम दस दो सत श्री अकाल जी मेरा नाम जसबीर कौर है असी एंटी क्राइम एनिमल प्रोटेक्शन तो डॉक्टर रोहन की अगवाई हेठ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट करन दे बहुत सारे कारण ने पर अज साडे को एक मेन कारण है जिहड़ा असी एक सवाल चुकिया वा वह काउसैस ते चुकिया वा असी जानना चाहते हैं जिहड़ा जनता को इन्ना सारा काउसैस इकट्ठा किया जा रहा वो कितने जाता वह कोई हिसाब नहीं है हूँ अजक गावों के उत्ते लंपी स्किल चली हुई है प्रॉब्लम चली हुई है असी डेली देखते हैं न्यूज़ में फोन के उपर कि गावों का किन्ना बुरा हाल है कारपोरेशन कोई उन्होंने इलाज प्रोवाइड नहीं कर रही इतों तक कि साढ़े संस्था के मैंबर रात को बाहर निकलते हैं और इन बेजुबाना का इलाज करते हैं पर सानू कारपोरेशन वालों कोई भी सहूलियत या पंजाब सरकार वालों बेजुबाना कोई भी सहूलियत प्रदान नहीं की जा रही सानू इस चीज़ का हिसाब चाहिए यही कारण है कि अजे प्रोटेस्ट कढ़िया जा रहा है एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट वालों मंग पत्र दिता गया इन दे मेन कंटेंशन यही सी कि हर हल्के दे विच जिहड़ी गौशाला खुलवाई जाए उहदे वास्ते असीं प्रपोजल तैयार कर लैंदे हां भी जल्द तो जल्द जिथे भी अडिशनल गौशाला साडी खुल सकदी है प्लस जिहड़ी एग्जिस्टिंग गौशाला साडी हैगी आ कॉरपोरेशन दी ऑलरेडी चल रही है तो उहदे विच नवें शैड लगा के उहदी कैपेसिटी वधाई जा सके ताकि जिन्ने भी वध तो वध गौआं ने जिहड़ियां सड़कां ते इस टाइम हैगियां ने उहनां नूं गौशाला दे विच ही लिया मैडम मैं कहना कि साडियां मंगां बहुत पुरानियां ने हले तक हल नहीं हुई
जिहड़ियां पुरानियां मंगां ने इन्हां दियां, क्योंकि इन्हां ने दसण मुताबिक 2018 तो ये इत्थे इन्हां ने प्रपोजल पाई है, वो पुरानी भी मैं मंगां जिहड़ियां सीगियां फाइल कढ़वा के वह भी चैक करवा लेनी है, पर जिहड़ी अज इन्हां ने मेन मंग जिहड़ी रखी हैगी है गौशाला नवीं बनन दी, असीं पहलां उहदे ते काम करना शुरू कर।